Hey everyone, welcome back to Decode IIT. My name is Bhishmita Tahiliani, and I'm a graduate of IIT Monday and I am here to teach you chemistry. So, uh, we are continuing this lecture series uh, in which we are, uh, you know, studying. Class 9th IIT Foundation course of chemistry. We have a similar course for physics and mathematics as well. And these are demo lectures which we teach in our foundation classes. Right. And second thing is that if you want to enroll in our offline center, which is based in Raipur Chhattisgarh you can contact us at 7724886251 And also you can WhatsApp us on this number or email us at info at the rate decode official.com So decode IIT official.com.

हमने क्या पढ़ा था कि तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हम देखेंगे दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ये हमने देखे थे राइट नाउ वील जस्ट कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री स्टेट्स सो वील जस्ट समराइज ऑल ऑफ दीज हमने पीछे पढ़ा है तो सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेज की मास के बेसिस पर अगर हम कंपेरिजन करें तो सॉलिड्स का क्या होता है डेफिनेट मास होता है लिक्विड्स का भी डेफिनेट मास होता है और गैसेज का भी डेफिनेट मास होता है मास सबका होता है राइट right? वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है किसका सॉलिड्स और लिक्विड्स का सॉलिड्स है डेफिनेट वालीम लिक्विड्स है डेफिनेट वॉल्यूम एंड गैसेज दे डो नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम क्योंकि वो जो भी वॉलीम uh, होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं राइट बट लिक्विड्स और सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है इनका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है ना जैसे हमने देखा था कि एक लीटर बॉटल में जितना पानी है वो उसको अगर आप बाउल में डालोगे तो वो पानी एक लीटर ही रहेगा जबकि गैसेज में ऐसा नहीं होता है ना एक कंटेनर से गैस निकाली अगर उसको आप बड़े कंटेनर में डालोगे तो वो बड़े कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी है ना तो इनको कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता गैसेस का दैन शेप शेप क्या है सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है है ना सॉलिड्स है डेफिनेट शेप लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर ये हमने देखा था और गैसेस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है राइट right? डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते, है, होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं बहुत ज़्यादा है ना फिर लिक्विड्स की डेंसिटी होती है दे आर लेसर देन सॉलिड्स और गैसेस की दे आर लीस्ट दे हैव द लीस्ट डेंसिटी इन अमंग थ्री स्टेट्स राइट क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स और भी दूर दूर होते हैं जिस वजह से क्या होता है डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाती है सेम मास के लिए दैट्स वाई डेंसिटी इज़ लेस है ना उसके बाद हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात करी थी कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो कंप्रेस होने का चांस कम होता है और ज़्यादा आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे क्योंकि इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो रिपेल कर देते हैं बाद में तो सॉलिड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं लिक्विड्स थोड़े स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो उसको हम फोर्स लगा के मॉलिक्यूल्स को हम पास में ला सकते हैं ऐसे ही गैसेज जो हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं तो हम आराम से फोर्स लगा के इनको पास में ला सकते हैं करेक्ट। रिजिडिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं मतलब दे नॉट फ्लो दे डोंट चेंज देयर शेप जबकि लिक्विड जो होते हैं दे आर फ्लूड दे कैन फ्लो राइट एंड गैसेस गैसेस भी फ्लो करती हैं राइट गैसेस कैन ऑल्सो फ़्लो फ्री सर्फेसिस की बात करें तो सॉलिड्स दे हैव एनी नंबर ऑफ़ फ्री सर्फेस जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है लिक्विड्स के पास एक ही फ्री सर्फेस होती है राइट ओनली द अपर सर्फेस एंड गैसेज दे हैव नो फ्री सर्फेसेज सो फ्री सर्फेस का मतलब क्या होता है एसेंशियली कि जैसे आप सॉलिड्स हैं ना तो कभी आप बेंच या कोई भी सॉलिड को निकाल के देखोगे और उसको एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो उसमें आपको इररेगुलरिटीज ऐसे देखने को मिलेंगी कि सरफेस ऐसे स्मूथ नहीं होती ऐसे ऐसे होती है है ना इस टाइप से सरफेस होती है तो इसमें कोई एक सरफेस नहीं है बहुत सारी है ये भी सरफेस है ये भी सरफेस है ये भी सरफेस है ये भी सरफेस है इनफाइनइट सर्फेस होती हैं है ना जबकि लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता राइट right? लिक्विड में क्या होता है जो भी वो कंटेनर का स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा तो फ्री स्पेस कौन सा होगा ये वाला ऊपर वाला यही फ्री सरफेस है बाकी सब तो ऑक्यूपाइड है राइट right? बाकी सब तो कवर्ड है बस यही एक फ्री सरफेस है तो इसमें इनके पास फ्री सरफेस एक ही होता है जबकि गैसेस के पास गैसेस के पास कोई फ्री सरफेस नहीं होता है ना गैसेस तो अब जैसे मान लो ये कंटेनर बंद है है ना तो लिक्विड तो यहाँ तक ही भरेगा अगर भरेगा तो ऊपर फ्री सरफेस है जबकि गैसेज तो पूरी पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई करती हैं तो ये क्लोज रहती हैं हमेशा है ना इनके पास कोई फ्री सरफेस नहीं होती राइट थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो सॉलिड्स हैव अ वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन है ना एक्सपैंड नहीं होते जनरली हीट uh, करने से उसके बाद लिक्विड्स का दे हैव हायर देन सॉलिड्स थर्मल एक्सपेंशन हायर होता है और गैसेस तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं है ना हीट करने पे राइट डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं करते लिक्विड्स थोड़ा थोड़ा डिफ्यूज़ करते हैं और जो गैसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करती हैं करेक्ट समझ में आ गया तो सॉलिड्स में कुछ डिफ्यूज़ करते हैं कुछ नहीं करते हैं राइट right? उसके बाद अगर हम पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सॉलिड्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं लिक्विड्स थोड़े लूजली होते हैं और गैसेज बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं पैकिंग मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आसपास नहीं होते हैं ना तीनों में इंटर मोलिकुलर स्पेसिस की बात करें तो सॉलिड्स में बहुत ही लो इंटर मोलिकुलर स्पेसेज होते हैं लिक्विड्स में इट इज़ मोर देन सॉलिड्स और गैसेस में इट इज़ द हाईएस्ट है ना गैसेस में जो इंटर मोलिकुलर स्पेसेस होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड्स दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना लिक्विड्स दे हैव अ मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड गैसेज दे हैव अ नेगलिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं है ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही नेगलिजिबल होता है राइट मोलिकुलर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स वाइब्रेट करते हैं राइट सॉलिड्स वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन के अबाउट जबकि लिक्विड जो होते हैं लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ऑल्सो ट्रांसलेट ट्रांसलेट मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना सॉलिड्स में जो मॉलिकूल्स uh, होते हैं वो मीन पोजीशन के बाद बस वाइब्रेट करते हैं ऐसे 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 जैसे फ़ोन वाइब्रेट करता है जबकि जो लिक्विड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं है ना दे प्रोसेस ट्रांसलेटरी रोटेटरी मोशन इन एडिशन टू वाइब्रेटरी वाइब्रेट भी करते हैं उसके साथ साथ ट्रांसलेट और रोटेट भी करते हैं है ना गैसेस गैसेस के पास भी तीनों रहता है ट्रांसलेटरी रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी ये तीनों ही मोशन ये गैसेस करते हैं गैसेस आल्सो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी रोटेट भी करते हैं ट्रांसलेट भी करते हैं और क्या करते हैं वाइब्रेट भी करते हैं ठीक है काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी लो होती है लिक्विड्स में थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स और सबसे ज़्यादा किस में होती है गैसेस में राइट right? सबसे ज़्यादा किस में होती है गैसेस में करेक्ट तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है लेट्स सी कि आपको ये आता है कि नहीं आता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी तो डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ये हमको पता है तो हमको अब अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी तो अभी हमने देखा कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है सॉलिड्स की होती है फिर लिक्विड्स की होती है है ना और फिर गैसेस की होती है जनरली बट बेसिक कंसेप्ट क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना क्योंकि सेम मास अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड्स बहुत ही कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं उसके लिए गैसेस पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर लेंगे है ना तो उसकी डेंसिटी उसकी कम होगी तो इसमें अगर हमको बताना हो कि कौन आ, कौन किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो कैसे बताएंगे देखो सबसे पहले सॉलिड्स देखते हैं कौन कौन सॉलिड है आयरन है चौक है कॉटन भी एक टाइप का सॉलिड ही है बट कॉटन जो है कॉटन बहुत ही लाइट होता है है ना कॉटन क्या होता है मास जो मास के हिसाब से वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर सकता है है ना तो कॉटन पीछे आएगा सबसे पहले कौन सा आएगा सबसे पहले आयरन आएगा ठीक है आयरन की बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है उसके बाद चौक आएगा है ना चौक आएगा उसके बाद कौन सा आएगा उसके बाद लिक्विड्स में देखते हैं हनी वाटर से ज़्यादा है तो हनी पहले आएगा है ना फिर वाटर आएगा वाटर के बाद कौन आएगा उसके बाद फिर ये आएगा कॉटन है ना क्योंकि कॉटन जो है वो वाटर और हनी से कम डेंसर है है ना उसकी डेंसिटी कम है राइट तो कॉटन आपने देखा होगा ना कॉटन बड़े बड़े कॉटन के होते कितना कम मास होता है उसका है ना तो इतने बड़े वॉल्यूम में इतना कम मास होता है पानी का ज़्यादा होता है मास है ना उसके बाद आता है आपका एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़ एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज क्योंकि ये गैस है और उसके बाद फाइनली एयर एयर इज अ लीस्ट डेंसर है ना एयर बहुत ही कम डेंसिटी होती है एयर की ठीक है तो ये ऑर्डर हो गया हमारा है ना दूसरा क्या है टैबलेट द इन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ये हमने देख ही लिया पीछे उसके बाद कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी क्या होती है शेप ना चेंज करने की प्रॉपर्टी को रिजिडिटी बोलते हैं जितना ज़्यादा वो रिजिड होगा उतना कम शेप में चेंज आएगा कंप्रेसिबिलिटी कि कंप्रेस कितना हो रहा है कितना आप उसको उसके मॉलिक्यूल्स को आप पास पास ला सकते हो दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फ्लुइडिटी क्या होता है फ़्लो करने की प्रॉपर्टी जैसे लिक्विड्स फ्लो करते हैं गैसेस फ़्लो करती हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्लूडिटी फिलिंग अ गैस कंटेनर फिलिंग अ गैस कंटेनर वही कौन करती हैं गैस गैसेस अपने कंटेनर में पूरा फिल कर देती हैं है ना तो दे ऑक्युपाई द स्पेस फुली दे ऑक्युपाई द स्पेस है ना उसके बाद शेप शेप तो जो शेप होती है स्ट्रक्चर कैसा है वो उसको शेप बोलते हैं ना काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स देयर मोशन तो कोई भी अगर बॉडी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है है ना तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी हमें देखी लिया मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है है ना उसके बाद गिव रीजन्स अ गैस फील्स कम्प्लीटली द वैसल इन विच इट इज कैप कैप्ड तो गैस को किसी भी वैसल में रखो तो वो पूरी ऑक्यूपाई कर लेती है ऐसा क्यों क्योंकि गैस के बीच गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फ़ोर्स होता है इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वो बहुत ही कम होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है और उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है तो इसीलिए ये पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती हैं करेक्ट उसके बाद अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के ये क्या करते हैं ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं ये आ, हिट करते हैं वॉल्स को ये वॉल्स को हिट करते हैं ऐसे हिट करेंगे ये ऐसे हिट करेंगे ये ऐसे हिट करेंगे ऐसे हिट करेंगे ऐसे हिट करेंगे ऐसे ऐसे वॉल्स को हिट करते हैं जिस वजह से जिस वजह से क्या होता है वॉल्स को हिट करते हैं जिस वजह से प्रेशर पड़ता है है ना तो ये प्रेशर जो गैस एग्जर्ट करती है दैट इज़ ड्यू टू कोल्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ठीक है अब वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड क्यों सॉलिड बोला जाएगा वुडन टेबल को क्योंकि उसका एक डेफिनेट शेप है है ना डेफिनेट डेफिनेट मास है है ना डेफिनेट वॉल्यूम है तो इस वजह से एक डेफिनेट वॉल्यूम वो ऑक्यूफाई करती है इस वजह से इट इज़ कॉल्ड अ सॉलिड ठीक है उसके बाद डी क्या है वी कैन ईजीली मूव अर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट तो क्यों होता है ऐसा हम एयर या फिर पानी से इजली हम अपना हाथ जो है वो आप देखोगे एयर में आप अपना हाथ ईजिली वो कर सकते हो क्या कर सकते हो मूव कर सकते हो पानी में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है और सॉलिड्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं तो स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपका हाथ यहाँ से आ सकता है जबकि लिक्विड्स में थोड़े पास होते हैं तो थोड़ा रेजिस्टेंस होता है स्पेसेस कम होती हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इस वजह से हाथ मूव नहीं कर पाता है और सॉलिड्स में तो बहुत ही पास पास होते हैं है ना सॉलिड्स में तो बहुत ही पास पास होते हैं राइट तो इस वजह से नहीं हो पाता है ना चौथा क्वेश्चन क्या है वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर डिस्पाइट बींग सॉलिड एंड लिक्विड इन जनरल हैव अ लोअर डेंसिटी सॉलिड्स आइस क्यों फ्लोट करती है वाटर पे आइस तो सॉलिड है क्यों फ्लोट करती है क्योंकि वाटर के पास एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब वाटर वो करता है फ्रीज़ करता है तो वो एक्सपेंड करता है है ना तो एक्सपेंड करता है जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आप कभी क्या करना बॉटल पानी पानी में पानी की बॉटल में पानी भर देना ट्रांसपेरेंट पानी बॉटल में और उसको फ्रीज़र में रख देना फ्रीज़र में आप रखोगे तो आपको दिखेगा कि जब वो फ्रीज हो गया और आइस बन गया तो जो लेवल था ना यहाँ पानी का वो यहाँ तक पहुँच जाएगा मतलब आइस जो है वो यहाँ तक ऑक्युपाई करेगी इसका मतलब क्या है वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड कर गया है ना वॉल्यूम बढ़ गया ना कुल मिला के ज़्यादा वॉल्यूम अब ऑक्युपाई कर रहा है पहले वाटर था तो कम ऑक्यूपाई कर रहा था अभी फ्रीज़ करने पे ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है राइट तो ये प्रॉपर्टी है वाटर की कि वाटर बेसिकली एक्सपैंड करता है कूल करने पे तो मैक्सिमम बेसिकली फोर डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है ये ध्यान रखना फोर डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है उसके बाद जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने लगती है समझ में आ रहा है वॉल्यूम क्या करती है बढ़ने लगती है तो वाटर फोर डिग्री सेल्सियस तक तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसी वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी फोर डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद फिर वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है तो क्या होता है एक्सपेंशन से कि जब जीरो डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाता है तो आइस की जो वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मास इस वजह से डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर तो आइस की डेंसिटी एंड हैंस आइस की डेंसिटी क्या होती है वाटर से कम होती है ठीक है इसीलिए वो फ्लोट कर पाती है समझ में आ रहा है ठीक है समझ में आ रहा है आगे बढ़े वाई डू सॉलिड्स हैव एनी वाई डू सॉलिड्स हैव एनी नंबर ऑफ़ फ्री सर्फेसिज एंड गैस हैव नो फ्री सर्फेस एट ऑल ऑल्सो कंपेयर विद लिक्विड्स तो ये तो अभी बताइए हमने है, है ना कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको बहुत सारी रफ़ ऐसे इरेगुलर सर्फेसिज दिखेंगी तो ये जितनी भी सर्फेस हैं ये फ्री सर्फेसिज हैं है ना जबकि लिक्विड्स में क्या होता है लिक्विड्स आपको आप जिस कंटेनर में डालोगे है ना उस कंटेनर के साइड्स में तो फ्री है नहीं बस यहाँ पर फ्री सर्फेस है है ना ऐसे ही गैसेज में क्या है गैसेज में तो वो सब पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं है ना तो इसमें कोई फ्री सर्फेस होती ही नहीं है करेक्ट उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अरेंज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी विद अप्रोप्रियट रीज़न तो ये तो बहुत ही सिम्पल है सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड्स की होगी फिर लिक्विड्स की होगी और फिर गैसेज़ की होगी ऐसा क्यों क्योंकि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही आसपास होते हैं है ना तो वॉल्यूम बहुत ही कम होती है मास ज़्यादा हो जाता है सेम मास के लिए अगर हम बात करें तो वॉल्यूम सबसे कम लिक्विड में होती है इस वजह से जो डेंसिटी होती है डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम सबसे कम होती है सॉलिड्स में फॉर द सेम मास इस वजह से डेंसिटी मैक्सिमम होती सॉलिड में फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में ठीक है समझ में आ गया ना होता क्वेश्चन कम्स कि क्या हम ये जो मैटर है ये जो मैटर है उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं क्या कैन वी चेंज इट्स स्टेट कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट क्या चेंज हो सकता है तो आंसर इज येस ऑब्वियसली सॉलिड से हम लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा तो होता ही है, है ना जब आप वाटर को हीट करते हो पैन में तो क्या होता है वाटर वेपर बनता है है ना वाटर वेपर बनता है ऐसे ही जब आप आइस को हीट करोगे तो क्या होगा आइस एक सॉलिड है आइस को हीट करोगे तो सबसे पहले क्या बनेगा सबसे पहले वाटर बनेगा है ना और वाटर के बाद उसके बाद और हीट करते जाओगे तो ये गैस बन जाएगा है ना ऐसे ही होता है गैस बन जाएगा करेक्ट तो स्टेट तो चेंज होता है बट कैसे होता है और क्यों होता है ये हमारा क्वेश्चन है तो जब भी जैसे मान लो हम कंसिडर करते हैं आइस को ठीक है सो आइस इज़ अ सॉलिड राइट नाउ राइट लेट से वी गिव फायर टू दिस आइस ठीक है हम क्या कर रहे हैं इस आइस में आग लगा रहे हैं यहाँ नीचे से फायर लगा रहे हैं तो फायर लगाने से क्या हो रहा है हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसको क्या कर रहे हैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सो so, बड़े ध्यान से सुनना कि ये आइस का ब्लॉक है है ना दिस इज अ सॉलिड राइट जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे अभी हो रहा है है ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा करेक्ट तो ये क्या सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बट ऐसा क्यों हो रहा है है ना क्वेश्चन इज वाई इज दिस हैपनिंग एंड वॉट इज़ हैपनिंग एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जिस वजह से ये जो आइस है वो मेल्ट कर रहा है तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम हीट देते हैं नीचे से आइस को तो जो इसके जैसे सॉलिड्स में अभी जब सॉलिड है तो क्या है बहुत क्लोज क्लोज ये मॉलिक्यूल्स हैं है, है ना इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज क्लोज हैं राइट बहुत ही क्लोज क्लोज हैं जब हम इसको हीट देते हैं तब होता क्या है इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ जाती है ये देखो ये मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ जाती है जिस वजह से ये रैंडम मोशन करने लगते हैं है ना तो देखो दो मॉलिक्यूल जब पैक्ड होते हैं तो उनके बीच में एक इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या होता है इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिस वजह से ये ऐसे सॉलिड में बने रहते हैं ठीक है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिस वजह से ये बेसिकली यू नो इस सॉलिड में बने रहते हैं करेक्ट अभी इसमें इस बने रहते हैं अब क्या होता है जब हम इसको एनर्जी देते हैं नीचे से तो होता क्या है ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और दे ट्राई टू ब्रेक दिस बॉन्ड जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने की ये लोग कोशिश करते हैं और जब इतनी सफिशियंट एनर्जी इनको मिल जाती है जब इतनी सफिशियंट एनर्जी इनको मिल जाती है कि ये जो बॉन्ड है इनका उसको ब्रेक करके बाहर निकल जाएँ जो इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करके बाहर निकल जाएँ देन दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इन टू अनदर फेज दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है क्या हो रहा है जब भी हम इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तब हो क्या रहा है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं अंदर है ना जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर गेनिंग एनर्जी एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रट्रक्शन बिटवी द मोिक्यूल्स इन दोनों मोलीक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रक्शन है उसको ब्रेक करने की क्या कर रहे हैं ये लोग कोशिश कर रहे हैं जिस वजह से क्या हो रहा है इनको हीट एनर्जी मतलब बेसिकली एनर्जी मिल रही है और एनर्जी की वजह से ये मोलिक्यूल्स अब दूर दूर जाने लगे हैं तो अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इन्होंने ओवरकम कर लिया और ये दूर दूर जाने लगे तो क्या होगा ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा सबसे पहले है ना राइट right? लिक्विड में क्या होता है दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स है ना तो इस टाइप से एनर्जी गेन करके ये लोग लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं फिर क्या होता है ये लोग ऐसे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं है ना ये क्या होगा फाइनली ये आग लगाने से आइस क्या होगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी करेक्ट तो अब ये मॉलिक्यूल्स इस टाइप के देखो एनर्जी गेन करके ऐसे लिक्विड में बदल गए दूर दूर हो गए थोड़े मॉलिक्यूल्स है ना अब अगर मैं और एनर्जी इसको दे दूँ अगर मैं इसमें फिर से आग लगा दूँ नीचे से फिर से हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँ आग लगाने का मतलब है फिर से अगर मैं इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा वॉट विल हैपन इट विल अगेन गेन मोर एनर्जी है ना इसमें इन मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी है ना तो जो अभी इतना दूर डिस्टेंस है ये और जब एनर्जी मिलती है आपको तो क्या करते हो आप एनर्जी जब आपके अंदर होती है तो बेड पर बैठे रहते हो क्या नहीं मूव करने की कोशिश करते हो इधर उधर भागने की कोशिश करते हो है ना तो वैसे ये मॉलिक्यूल्स भी करते हैं मॉलिक्यूल्स को भी जब ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो क्या होता है देस मॉलिक्यूल्स दे ट्राई टू गो अवे मतलब दे ट्राई टू मूव इन रैंडम मोशन द ट्राई टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे गो इन रैंडम मोशन बहुत दूर दूर जाने लगते हैं तो क्या होगा फाइनली जब इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये जो बॉन्ड ये जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स में उसको भी ये ओवरकम कर लेगा तो क्या होगा किस में कन्वर्ट होगा ये गैस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में ठीक है और गैस में क्या होता है गैस क्यों बनता है बिकॉज जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर चले जाते हैं इतना एनर्जी उनके पास होता है कि वो रैंडम मोशन में ऊपर की तरफ मूव करते हैं ठीक है दिस इज़ हाउ दिस इज हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट ठीक है सबसे पहले क्या हुआ हमने एनर्जी दी तो सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई फिर हमने अगर और एनर्जी इसको दी तो ये फिर और ज़्यादा एनर्जी गेन करके ये गैसेस में कन्वर्ट हो गए राइट किस में कन्वर्ट हो गए ये गैसेस में कन्वर्ट हो गए करेक्ट समझ में आ रहा है ठीक है आगे बढ़ेंगे चलो अब होता क्या है कि अब मैंने आपको समझाया कि क्या हो रहा है जैसे ही हमने उसको हीट दी नीचे से तो क्या हुआ उसका टेम्परेचर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी काइनेटिक एनर्जी मतलब भाई मोशन करने की कैपेबिलिटी बढ़ी ये वेलोसिटी से जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो एनर्जी मिल गई उनको ज़्यादा एनर्जी मिल गई जिस वजह से वाइब्रेशन और ज़्यादा स्पीड से होने लगा फाइनली वाइब्रेशन ने इंटर मोलिकुलर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर दिया इतनी एनर्जी उनको मिल गई और वो पार्टिकल मतलब अपने बॉन्ड से बाहर निकल गए है ना अ स्टेज इज रीच्ड वेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड इन टू लिक्विड इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इट इज अ टेम्परेचर इट इज अ टेम्परेचर एट विच एट विच द मॉलिक्यूल गेन सफिशेंट एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेज स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड जब चला जाता है सॉलिड वो टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड समझ में आ रहा है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड ठीक है और मेल्टिंग पॉइंट जो है इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा हमको एनर्जी देना पड़ेगा है ना मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है टेम्परेचर टेम्परेचर एट विच ये सॉलिड मेल्ट होगा लिक्विड में यही मतलब है ना तो टेम्परेचर एट विच अगर हम मेल्टिंग पॉइंट हाई है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है आपको ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ रही है है ना इसका मतलब क्या है कि जो मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है दो मोलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ही हाई है इसीलिए तो आपको एनर्जी भी हाई देनी पड़ रही है ना इसको तोड़ने के लिए राइट तभी तो कन्वर्ट होगा ये लिक्विड में समझ में आ रहा है तो ये चीज़ समझ में आ गई कि स्ट्रेंथ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो भी डिटरमाइन करता है वो हमको बताता है मेल्टिंग पॉइंट अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो ये जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी दैट वुड बी हाई समझ में आ रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव के ठीक है तो ये आपको याद रखना दैट इज जीरो डिग्री सेल्सियस ये आपको याद रखना है ना अब इसको आप कन्वर्ट करोगे सेल्सियस uh, में तो कैसे आएगा इसमें हम टू सेवेंटी थ्री माइनस कर देते हैं तो अगर ये लिखा हुआ है कैलविन में इसमें हम टू माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो कुछ नहीं होता बस कैलवन इज बेसिकली कैलवन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस टू ये ध्यान रखना इसमें 273 माइनस करोगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाता है केल्विन में ठीक है समझ में आ गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तो पता है आपको क्या है जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है समझ में आ गया करेक्ट तो समझ में आ गया ना क्या हो रहा है वाइब्रेशन हो रहा है मतलब जब आपने इसको हीट दिया तो ये जो सॉलिड के जैसे जो पैक्ड थे है ना ये जो पैक्ड मॉलिक्यूल्स थे वो हायर स्पीड से वाइब्रेट करने लगे देखो वाइब्रेट करें ना ऐसे 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 करके तो ये हायर स्पीड से वाइब्रेट करने लगे और फिर एक सफिशेंट एनर्जी इनको मिल गया कि ये अपना ये जो अट्रैक्शन फोर्स है जो ये पैक्ड है इसको तोड़ देते हैं ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से निकल जाता है और बाहर आ जाता है, है ना जब इतनी एनर्जी मिल जाती है तो ये अपना स्टेट चेंज करते हैं ठीक है समझ में आ रहा है राइट right? आगे बढ़े तो वह अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम ये ध्यान रखना जब भी मेल्ट हो रहा होता है मेल्ट मतलब जब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में तब उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है कोई मेरे को बता सकता है कि कॉन्स्टेंट क्यों रहता है है ना क्वेश्चन अगला ये है कि जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है फिर अगर अगर हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं है ना हीट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये मेल्ट हो रहा है है ना और इसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है पर टेम्परेचर उतना ही है बस ये मेल्ट हो रहा है तो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है भाई जा कहाँ रही है हीट एनर्जी आप ही बताओगे इसका आंसर कि कहाँ जा रही है हीट एनर्जी हीट एनर्जी जा रही है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं उसको ओवरकम करने में है ना उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में टेम्परेचर इसीलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये जितनी भी हीट एनर्जी है ये इंटरमोलिकुलर फ़ोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में चली जा रही है है ना सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट लैटेंट हीट लैटेंट का मतलब होता है हिडन हीट हिडन हीट इसलिए हिडन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हम हीट तो दे रहे हैं बट तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हिडन हीट हिडन हीट मतलब लैटेंट हीट सो वॉट इज डेफिनेशन ऑफ लैटेंट हीट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज वन के जी ऑफ अ सॉलिड वन किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ठीक है इसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन मतलब फ्यूज हो गया वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में फ्यूज हो गया मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो वन के जी ऑफ सॉलिड को एटमॉसफेयरिक प्रेशर दैट इज़ वन ए टी एम एटमोसफियर वन के जी ऑफ सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है दैट इज़ कॉल्ड लेट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है अगर इस लिक्विड को और हीट करोगे तो क्या होगा ये फिर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा है ना हमने देखा था वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा राइट तो उसके बाद ये ये तो हो गया क्या ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट है ना ये मेल्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे ये मेल्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट जब ये लिक्विड जब लिक्विड को हम इतनी हीट एनर्जी दे रहे हैं है ना कि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए उस पॉइंट को क्या बोलते हैं उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं जिसपे ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट होगा ये वेपर में कन्वर्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फरिक प्रेशर लिक्विड जब बॉयल करना स्टार्ट होता है वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयलिंग पॉइंट जब मेल्ट होता है सॉलिड लिक्विड में तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ठीक है point, तो जैसे सॉलिड से लिक्विड जब जा रहा था है ना जब सॉलिड से लिक्विड जा रहा था तो हम जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे वो क्या हो रही थी वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में चली जा रही थी उसको हमने क्या बोला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसे ही जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो भी एक लैटेंट हीट होती है तो भी जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा क्यों इंक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि ये जो जितनी भी हीट है ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में जाएगी और दिस हीट इज़ कॉल्ड नथिंग बट लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब वेपर बन रहा है तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ठीक है जब लिक्विड बन रहा है सॉलिड से लिक्विड बनना है तो दैट इज़ कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है अगर यही चीज़ आप रिवर्स करोगे आप कूल करोगे तो क्या होगा अभी आपने हीट एनर्जी दी है ना हीट एनर्जी दी तो उसने क्या हुआ इसने जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर लिया तो अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी बहुत हाई है है ना काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है अभी उन मॉलिक्यूल्स के पास तो अब ये बताओ अगर मैं रिवर्स करूँ मतलब जैसे आप पानी को ट्रे में रखते हो ना जो आइस क्यूब वाली ट्रे होती है उसमें पानी को रख के जब फ्रीजर में रखते हो तो क्या होता है वो फ्रीज़ हो जाता है इस केस में क्या हो रहा है ऐसे क्या हो रहा है कि ये फ्रीज़ हो जा रहा है है ना लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो दूर दूर होते हैं सॉलिड्स में एकदम पास पास होते हैं तो फ्रीज़ करने पे क्या हो रहा है फ्रीज़ करने पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसपास आ जा रहे हैं कैसे आसपास आ जा, जा रहे हैं जो एनर्जी जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन्होंने ली थी इन मॉलिक्यूल्स ने गेन की थी जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन मॉलिक्यूल्स ने गेन करी थी जस्ट अ मिनट एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस तो हम क्या करें हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो लैटेंट हीट है ना जो लैटेंट हीट इन मॉलिक्यूल्स ने गेन करी थी तो जब सॉलिड्स को हमने हीट किया था जब सॉलिड्स को हमने हीट किया था तो वो जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे है ना तो इन मॉलिक्यूल्स ने लैटेंट हीट जो थी वो गेन करी थी है ना तभी तो ये दूर जा पाए तभी तो ये दूर जा पाए है ना अब क्या होगा जब आप फ्रीज़ करोगे तो क्या होगा ये जो हीट थी जो इन्होंने ली थी जो लैटेंट हीट हमने एनर्जी दी थी जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था वो हीट कहाँ जा रही थी इन मॉलिक्यूल्स में जा रही थी वो हीट उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में जा रही थी है ना <coughs> यही एनर्जी ये यह वापस रिलीज़ कर देते हैं मतलब ये जो लैटिन हीट इन्होंने इस प्रोसेस में गेन करी थी वही एनर्जी ये रिलीज़ कर देते हैं एनहेंस इनकी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और ये आस पास आ जाते हैं ऐसा दोनों केसेस में होता है चाहे आप लिक्विड से सॉलिड बनाओ चाहे आप गैस से लिक्विड बनाओ ठीक है दोनों में ही यही होता है ठीक है सो दिस हैपन्स वेन वी कूल इट राइट समझ में आ रहा है दिस हैपन्स वेन वी कूल इट कितना बचा है लेट्स सी सो अभी हमारा थोड़ा ज़्यादा बचा है इसमें है ना सो नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ये और फैक्टर्स को देखेंगे कि फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो मेल्टिंग को अफेक्ट करते हैं है ना वॉट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मेल्टिंग राइट चलो